तो हे हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑगी, और आज हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवर सीरीज। ये तो आप जानते ही होंगे। तो गाइस, आज वो फाइनली वक्त आ चुका है जब आज हम लोग हिंडर ड्रैगन को डिफीट करने वाले हैं। क्यों भैया, डिफीट करेंगे कि नहीं? और बिल्कुल सही बात है, डिफीट क्या, पूरी तरह से मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ओए तू भी बाप बोली दे, आओ आज तो इंडर ड्रैगन की टक टिक्की होने वाली है, हिचके हिचके। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि आप देख सकते हो 57.4% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो ना, इस चीज से हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जल्दी से कर दो ना यार। एकदम सही बोला। क्या रे अगी, आज तो सबसे पहले हम ही लोग शाउट आउट देंगे बाबा। ठीक है कॉकरोचो, आज तुम ही लोग सबसे पहले शाउट आउट दे लो। तो भीड़ लो मेरी तरफ से एकदम सभी को एकदम बिंदास वाला शाउट आउट क्या, और मेरी तरफ से एकदम मस्त वाला शाउट आउट रे बाबा, और मेरी तरफ से एकदम खिलाड़िया वाला शाउट आउट। तो डोंट एंग्री मी। आओ आगे, अब मेरी बारी, हचके हचके। ठीक है बाप, जल्दी से दे दो ना। आओ मेरी तरफ से सभी को एकदम टक टक वाला शाउट आउट, हचके हचके, तुन्ना तुन्ना कर दो। ओए अब तुम लोगों का तो बहुत हो गया, मेरी बारी, अब देखो मेरा एकदम स्पेशल वाला शाउट आउट। और तुम लोग तो जानते हो मेरा कौन सा स्पेशल वाला शाउट आउट है, और तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट है, अगर कोई शको तो बता देना। ओए तो गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे हमेशा बनाए रखिएगा ना। और गाइस, मेरी तरफ से वर्ल्ड का सबसे बड़े वाला शाउट आउट मेरी तरफ से। तो गाइस, इस तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ओए मुन्ना, जल्दी से तुझे जो भी लेना हो जल्दी से ले ले, ताकि प्रोटेक्शन तेरी बनी रहे, क्योंकि तुझे कुछ ना होना चाहिए। मैं तो उसे ड्रैगन को अपने 2.5 किलो के हाथ से ही तोड़ दूंगा। ओए आओ आगे, एकदम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, ठक टिकी कर देंगे ड्रैगन के हिचके हिचके, और खिलाड़ी एकदम मारेगा, और ऐसा मारेगा कि ड्रैगन दोबारा उठ नहीं पाएगा, और अपुन एकदम मस्तो वाला चटकर जाएगा ड्रैगन को बाबा। ओए ड्रैगन को कैसे चटकरेगा पागल कहीं के, ड्रैगन तुझे ही चटकर जाएगा। ओए हे भैया, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए ना। आप ड्रैगन को एकदम मामूली से समझ रहे हैं। भैया ड्रैगन इस गेम का बॉस है, बॉस। वो एकदम मामूली नहीं है। ओए चल ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। ओए इसीलिए भैया, उसको एकदम कम मत आंकिए, क्योंकि ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि भैया उसको पावर मिलती ही रहती है लगातार, उसकी पावर भी जनरेट होती रहती है अगर आप उसको मारेंगे भी तो। ओए चल देख लेंगे। ओए तो चलिए भैया, मैंने वाटर बकेट को ले लिया है। ओए वाटर बकेट क्या करेगा, वहां पर स्विमिंग पूल बनाएगा क्या? नहीं भैया, वहां पर इंडरमैन बहुत रहते हैं। और भैया खामोखा परेशान भी करेंगे। ओए इंडरमैन वहां पर कैसे पहुंच गए? हे भैया पहुंच गए तो पहुंच गए, वो वाटर से डरते हैं इसीलिए वाटर बकेट ले ली। ओए चल ये काम तो सही कर दिया। ओए अरे बाबा, मैं तो एकदम थक गया रे बाबा। ओए तू इतने में ही थक गया क्या? अरे भीड़ू पप्पलू की तो हवा खिसक गई क्या? तो चलिए भैया चलते हैं नीचे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में। तो गाइस, हमने रास्ता ऑफलाइन बनाया था क्योंकि डायरेक्ट हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच सके, नहीं तो फिर से घूम के जाना पड़ता, और हम लोग उस भूल भुलैया में भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोगों ने इधर से रास्ता बना लिया। तो भैया ये रहा हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड, अब हम लोग को इसी के अंदर कूदना पड़ेगा। आओ आज तो मजा आएगा, ये कितना अच्छा लग रहा है। हे बाप, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से उतना ही बुरा है। क्योंकि इंडर जो मैन है वो बहुत ही हमला करते हैं जाते ही। और रुक जा, मैं रिस्पॉन पॉइंट तो सेट कर दूं, अगर गलती से मर भी जाए तब जल्दी से यहीं पर स्पॉन हो जाए। हे भैया आप तो दिमाग लगा ले गए। ओए इतना दिमाग तो मैं लगाता रहता हूँ। ओए पहली बात तो हम लोग मारेंगे नहीं। ओए ये क्या, हे भैया पहुँच गए हम लोग। ओए ये कौन से सरफेस में पहुंच गए? ओए चांद पे आ गए क्या मुन्ना? नहीं भैया चांद पे नहीं आए हैं। इंडर ड्रैगन का एरिया है भैया ये। ओए मुन्ना ये बताइए आवाज इतनी तेज किसकी है? हे भैया ये इंडर ड्रैगन की रोरिंग की आवाज है। मतलब कि भैया वो दहाड़ रहा है कि उसके एरिया में मत आओ। ओए अभी रुक जा, बताता हूँ उसको। इंडर चेस्ट लाया था क्या मुन्ना? हाँ भैया इंडर चेस्ट लेकर आया था। तो चलिए भैया सबसे पहले हम लोग पम्पकिन पहन लेते हैं, क्योंकि भैया ये इंडरमैन हम लोगों को बहुत परेशान करेंगे। और पम्पकिन से नहीं परेशान करेंगे क्या?
हे भैया आप जानते नहीं क्या, अगर इंटरमैन की आंखों में देखते हैं तो हमला करते हैं, इसलिए मैंने पंपकिन पहन लिया, तब वो लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन भैया इसमें एक दिक्कत थोड़ी सी होगी, हम लोग को दिखेगा कम। ओए तो जब दिखेगा नहीं तो इंटर ड्रैगन को क्या मारेगा? हे भैया हो जाएगा। रुक जाइए मैं स्नो फॉलिंग की पोशन ले लेता हूँ। और भैया ये ले ली नाइट विजन, तो चलिए भैया अब तो सब ले लिया, गोल्डन एप्पल भी बचा हुआ है, इसको भी लेना पड़ेगा ना। रुक जाइए भैया मैं सब चीज़ जल्दी से ले लेता हूँ। तो चलिए भैया अब हम लोग तैयार है, ये देखिए भैया इंटर ड्रैगन कुछ नहीं कर रहा। ये लीजिए भैया देखिए नाइट विजन की पोशन पीते ही चारों तरफ भैया एकदम उजाला हो गया। ओ ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। आओ आगे ये तो बता इंडर ड्रैगन है किधर? हिचके हिचके यहाँ। हे बाप वो रहा इंडर ड्रैगन, वो देखो हवा में उड़ रहा है। आओ ये तो कितना बड़ा है, हिचके हिचके यहाँ, ये तो वेदर से भी 2 गुना 3 गुना बड़ा है हिचके यहाँ। हे बाप ये इतना खतरनाक भी है, जितना बड़ा दिखता है उससे दुगना खतरनाक भी है। थोड़ा सा बच के रहना। हे भैया जो ये टावर्स है इनमें भैया इसके एनर्जी रिसोर्सेस है, तो पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। रुक जाइए भैया सबसे पहले मैं मार्क लगा दूं ताकि हम लोगों को पता रहे कि हम लोगों का इंटर चेस्ट इधर रखा हुआ है। क्या रे अभी इन बड़े बड़े टावरों में क्या जल रहा है रे बाबा, एकदम खाने वाला सामान है क्या रे बाबा? हे पपलू मैंने समझाया था ना इसमें खाने का सामान नहीं है, इसमें से इंटर ड्रैगन जब कमजोर पड़ता है तो इन टावरों में से एनर्जी लेता है, तब उसकी पहल एकदम बड़ी हो जाती है, मतलब की पूरी फुल हो जाती है। तो भैया हम लोगों को सबसे पहले इन टावर्स को तोड़ना पड़ेगा। ओए मुन्ना लेकिन इन टावर्स में हम लोग चढ़ेंगे कैसे? ओए हे भैया मैं ब्लॉक्स लाया हूँ ना, लेकिन भैया इंटर ड्रैगन से बच कर रहिएगा। रुक जाइए भैया मैं निशाना लगाता हूँ, वो देखिए एक तो ऊपर ही जल रहा है। ओए इसमें से फूट जाएगा क्या? हाँ भैया फूट जाएगा, मारिए तो एक बार। ओए तो रुक जा, पहले बताना चाहिए था ना। ओए ये कहाँ घूम रहा है मुन्ना? हे भैया इंटर ड्रैगन से बच के रहिएगा ना। ओए मुन्ना कुछ दिख ही नहीं रहा तो कैसे मारूं? ओए हे भैया लगाइए ना निशाना, दिख तो रहा है। ओए कहाँ दिख रहा है? तुझे भी नहीं दिख रहा, ये देख ले सामने ये आ जा रहा है पंपकिन का हेड। हे भैया ये बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन भैया ये तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो भैया इंडरमैन परेशान करेंगे। और भैया इंडरमैन अगर देखिए पूरे यहाँ पर झुंड में है, अगर एक के ऊपर हमला कर दिया तो भैया दूसरे भी अट्रैक्ट होकर आ ही जाएंगे। रुक जाइए भैया मैं इंटरपल फेंकता हूँ, शायद चली जाए ऊपर। ओए इससे क्या होगा? इससे भैया टेलीपोर्ट हो सकते हैं हम लोग। कहाँ गई? ये देखिए भैया टेलीपोर्ट हो गए। हे भैया इसको तो फोड़ दीजिए ना। ओए रुक जा, ओए कहाँ लग रहा है मुन्ना निशान? दिख ही नहीं रहा। आओ आगे, सच में नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो निशाना कैसे लगेगा? हिचके हिचके यहाँ। अरे बीड़ू हम लोग इस पंपकिन को उतार देते हैं क्या? नहीं झपलू, अगर इसे उतार दिया तो इंटरमैन हम लोग को खामों का परेशान करेंगे। लेकिन आगे इस अगर हम लोग इस हेड को नहीं उतारेंगे तो निशाना कैसे लगेगा? और मैं भी एंग्री हो रहा हूँ। हे भैया मैं क्या बताऊँ, ये पंपकिन तो दिक्कत तो दे रहा है, लेकिन भैया आप क्या कर सकते हैं? ये देखिए भैया हमला किया किसी ने। ओए कौन था सामने आकर हमला किया कर? ओए मेरा मुन्ना को नहीं छूना चाहिए। हे भैया मारिए जल्दी से, अब तो लगाइए निशाना। ओए मुन्ना निशाना कैसे लगेगा? ये देख एनर्जी लगातार लेते ही जा रहा है। रुक जा एक और इंटरपल फेंकता हूँ ऊपर, जाएगी क्या? देखते हैं भैया जाती है कि नहीं। नहीं गई भैया, फिर से हो गया पोपट, रहने दीजिए भैया। ओए मुन्ना मैं तो कहता हूँ पंपकिन को ही उतार के फेंक दे, दिमाग खराब कर रहा है। तो चलिए भैया ठीक है अब उतार ही देते हैं पंपकिन को, क्योंकि परेशान बहुत कर रहा है। ओए बिल्कुल ये देख मार दिया फिर से, ओए दिमाग खराब कर दिया। हे भैया जल्दी से तोड़िए ना, ताकि भैया हम लोग जल्दी जल्दी फोड़ सके। और देखिएगा भैया अभी इंटरमैन भी परेशान करेंगे, ऊपर चढ़िए भैया जल्दी से। ओए चढ़ ही तो रहा हूँ, अब कैसे चढ़ जाऊँ? ओए ओए जल्दी चढ़ मुन्ना। हाँ भैया चढ़ ही तो रहा हूँ। आओ आगे इंटर ड्रैगन तो चिल्ला रहा है हिचके हिचके यहाँ। हे बाबू चिल्लाएगा तो है ही। चलिए भैया तोड़िए इसको ताकि हम इसको फोड़ सके। फोड़ दीजिए भैया। ओए ये फोड़ दिया, अब क्या करना है? हे भैया ऊपर ही चढ़िए ना। ओए ऊपर क्यों चढ़ेंगे? हे भैया ऊपर से हम लोग और भी फोड़ सकते हैं, चढ़िए ना जल्दी से। ओए चढ़ो, ये क्या चले आए नीचे? हे भैया मैंने पहले ही कहा था ना ऊपर चढ़िए, इंटर ड्रैगन ने हमला कर दिया। हे भैया ये कहाँ से आ गया? ओए मैं तो तोड़ दूंगा, रुक जा मेरे मुन्ना को। ओए मुन्ना इतने सारे आ गए। हे भैया एक को भी ना छोड़िएगा। क्या रे बीड़ू निकल लो, ऑगी को हाथ भी नहीं लगाना क्या? क्या रे बाबा तो क्या रे बाबा निकल ले कर बाबा। आई एम डोंट एंग्री मी, नहीं तो बात मारूंगा। हे भैया लगाइए निशाना।
ओए ये क्या फेंक दिया। हे भैया इसके बीच में ना पड़िएगा, नहीं तो भैया बहुत डैमेज होगा। ये देखिए भैया उसका जहर है, अगर इसके बीच में पड़ गए तो भैया एकदम हम लोग की हेल्थ बहुत ही कम हो जाएगी। ओ ये निशाना क्यों नहीं लग रहा मुन्ना? हे भैया लगता है दूर है। मैंने तो पहले बोला था पंपकिन मत उतारिए, ये इंडरमैन परेशान कर रहे हैं। ये देखिए भैया इनकी आंखों में मत देखिएगा। ओ मुन्ना ये बता, हम पंपकिन ना उतारते तो हम लोग को दिखता कैसे? देख एक ही उतारते, हम लोग एक को तोड़ भी दिए लेकिन भैया इंडरमैन तो पीछे पड़ जाते हैं ना। ओए इंडरमैन को तो मैं तोड़ दूंगा, टेंशन ना ले मुन्ना, छू भी नहीं पाएंगे तुझे। ओए हे भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए ना, रुक जाइए भैया इस बार इंटरपल देखते हैं। शायद भैया इस बार पहुंच ही जाए क्योंकि भैया इस बार तो एकदम साफ साफ दिख रहा है। ओए पहुंचेगी क्या? ओए ये ले एक और फेंक दी, ओए एक और फेंक दी। हे भैया इतने सारे क्यों फेंक रहा है? ये लीजिए भैया, जाते हुए भी नीचे चले आए। एक ही फेंकते तो पहुंच जाते। ओए फिर से पीछे पड़ गया क्या? हे भैया पीछे पड़ गया, मारिए इसे और निकल ले। टेलीपोर्ट क्या हो रहा है सामने यहाँ, फिर बताता हूँ। ओ दिमाग खराब कर रहा है, इधर उधर क्या नाच रहा है सामने यहाँ, और निकल ले। बहुत दिमाग खराब कर रहा था, तोड़ दिया। रुक जाइए भैया मुझे फेंकने दीजिए। गई क्या? ओ नहीं गई, ये पोपट हुआ है, टेलीपोर्ट हो जाएंगे मुन्ना। हो गए। हे भैया ये तो इंटरपल लग ही नहीं रही है। आओ आगे जल्दी से ट्राई करो, नहीं तो हम लोग का तो हिचके हिचके हो जाएगा। ठीक है बॉब इस बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या रे बीड़ू अपुन ट्राई करता है? रुक जा। ये ले बीड़ू फेंक दिया क्या? कॉकरोच गैंग जिंदाबाद, फोड़ दो भैया। ओ ये ले फोड़ दिया। हे भैया इसके जल्दी से अंदर घुसिए ना ताकि औरों को भी फोड़ सके। ओए रुक जा, ये क्या फेंक रहा है? निकल ले। ओए रुक जा मुन्ना निशान लगाता हूँ। ओए ये लगाया निशाना। ओए बाप तू भी फोड़ दे, इसमें भी लगाता हूँ, रुक जा। हे भैया उसमें नहीं लग रहा, ये देखिए ड्रैगन मार रहा है। ओए ड्रैगन मारने दे, आओ मैं फोड़ूंगा। हिचके हो गई, एक और बचा है ओगी। हे बाप फोड़ो ना जल्दी से, आओ ओगी ये तो नीचे गिरा दिया हिचके हिचके। जल्दी से भैया गोल्डन एप्पल खाइए, हेल्थ जा रही है। और रुक जा अभी खाता हूँ। ओ ये ले खा लिया, बहुत बढ़िया झपलू तुमने तो कमाल ही कर दिया, एकदम सही निशाने पर इंटरपल फेंकी। क्या रे बीड़ू अब उनका एकदम टैलेंट है क्या? क्या रे झपलू तूने तो कमाल ही कर दिया रे बाबा। क्या रे बीड़ू चल एकदम दूसरे वाले में चलते हैं ताकि इसके सभी टावर फूट जाए क्या? हे भैया कॉकरोच एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, चलिए जल्दी चलते हैं। ओए तो ये इंडरमैन तो परेशान कर रहे हैं, रुक जा इन्हें तोड़ता तो मैं हूँ। आओ आ जाओ, कहाँ चले गए? हे भैया ये घूम रहा है। ओए निकल ले, दांत क्या निकाल रहा है? ओए खा जाएगा क्या? निकल ले बहुत मारूंगा। हे भैया मारिए ना जल्दी से, और मार गया मुन्ना, टेंशन क्यों लेता है? हे भैया दूसरा भी आ गया क्या? ओए आ तो गया, फिर से मारने लगा। और तू कहाँ से आ गया? निकल ले इंडर ड्रैगन। हे भैया पड़ी उसको, ओए पड़ी तो पड़ी ही, लेकिन इंडरमैन पर ओए निकल लो, जल क्या रहे हो? हे भैया ये तो इंडरमैन परेशान करके रख दिए। ओए छोड़ूंगा नहीं, एक एक को निकाल दूंगा। ओए बाप तू भी संभाला कर एक एक। आओ आओगी नाइट विजन जा रही है, जल्दी से पियो हिचके। रुक जाओ बाप नाइट विजन लगाता हूँ फिर से। हे आ गई नाइट विजन, चलिए भैया फिर से दिखने लगा। चलिए भैया अब और भी टावर्स को फोड़ ही देते हैं और इंडर ड्रैगन का खात्मा कर ही देते हैं ना। ओ तो चल ये क्या फेंक रहा है? गोले वाले से काम नहीं चलेगा, रुक जा अभी तेरे एनर्जी रिसोर्सेज को तोड़ता हूँ और फोड़ता भी हूँ। ओए हे भैया इस सामने वाले टावर को तोड़िए क्योंकि इधर से अब बार बार एनर्जी ले रहा है, दो टावर बचे हैं भैया। ओए मुन्ना इधर खतरा तो नहीं है? हे भैया खतरा तो बिल्कुल है, क्योंकि भैया इंडर ड्रैगन अगर एक बार मार देगा तो हम लोग नीचे ही गिर जाएंगे इस वर्ल्ड के और खत्म हो जाएंगे। चलिए भैया इधर चढ़ते हैं ना। ओए रुक जा और भी ब्लॉक्स निकालता हूँ, इधर से चढ़ूंगा ताकि देख भी ना पाए। हे भैया इंडर ड्रैगन को देखना होता है तो वो कहीं से भी देख लेगा। जल्दी जल्दी चढ़िए ना। क्या रे जैक जल्दी लगा बीड़ू, नहीं तो इंडर ड्रैगन बहुत मारेगा। क्या ओए बहुत क्या मारेगा, मैं उसका तोड़ दूंगा, टेंशन ना ले। ओए बाप देखे रहना इंडर ड्रैगन को। आओ जैक तू अपने काम पर ध्यान दे जल्दी जल्दी, मैं ड्रैगन को देख रहा हूँ, हिचके आओ। हे भैया बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा सा और बचा है, जल्दी करिए ना। ओए कर रहा हूँ मुन्ना, टेंशन ना ले ऊपर पहुंच जाएंगे एकदम जल्दी जल्दी। ओए आ गया मुन्ना। हे भैया थोड़ा सा और, ओए आ गए मुन्ना, फोड़ दे जल्दी से। हे भैया ये लीजिए फोड़ दिया। हे भैया चलिए जल्दी से दूसरों में निशान लगाइए ना। और रुक जा पहले इस ड्रैगन को तो संभालू। हे भैया उसको मत संभालिए, उसके एनर्जी रिसोर्स तोड़िए। ओए एक तो तोड़ दिया, दो और बचे। ओए ये लगा निशाना, ओए कैसा चूक गया, अब लगेगा, फूट गया मुन्ना। हे भैया एक और बचा है, इसमें भी लगाइए निशाना। और रुक जा और लग जाना एक।
ओए मुन्ना लगी नहीं रही। हे भैया मारते जाइए, लग तो जाएगा ही। ओए खिलाड़ी तू ट्राई करके क्यों नहीं देखता? ठीक है, अब खिलाड़ी मारेगा एकदम निशानेबाजी। और ये लगा खिलाड़ी का निशाना। कॉकरोच गैंग जिंदाबाद रे बाबा, देखा रे अभी कॉकरोचों ने निशान लगा दिया रे बाबा। और निशाना तो लगा दिया, नीचे जल्दी चलो। हाँ भैया जल्दी नीचे चलिए। चलिए भैया, इसके सारे टावर फूट गए, अब बस भैया इंडर ड्रैगन को मारना है। और जल्दी से मारना। ओए तहार कितना तेज रहा है। हाँ भैया कितना तेज, देखिए आवाज कर रहा है। ओए मुन्ना ये तो कमाल का है, बात छोड़ूंगा नहीं, निकल ले। ओए लग क्यों नहीं रहे मुन्ना? हे भैया उछल कर मारिए ना। ओए मार तो रहा हूँ, लगी नहीं रही तो क्या करूँ। हे भैया आप भी ना रुक जाइए, मैं मारता हूँ। ये देखिए भैया अब लगने लगी। ओए आप नहीं बचेगा ड्रैगन, बहुत हो गया तेरा, भाग गया मुन्ना। हे भैया आप भी भागिए, नहीं तो भैया अपनी ड्रैगन ब्रीथ छोड़ेगा। और भैया उससे मार भी देगा, जल्दी करिए ना। आओ आगी लगी, भाग जा जल्दी से। हे भैया भाग गया, गोल्डन एप्पल खाइए। ओए रुक जा, खाता हूँ। ओए खा लिया गोल्डन एप्पल। हे भैया रुक जाइए, उसके बैठने का इंतजार कीजिए। बैठ गया भैया। आओ इस बार मैं इसको छोड़ लूंगा नहीं, ठक टक कर दूंगा ड्रैगन के हिचके हचके। आवाज तेरे निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, ठक टक तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, निकाल ले। क्या रे बीड़ू लोग मारो, भाग गया भगोड़ा दोबारा से। हे भैया वो दोबारा आएगा, जल्दी करिए ना। ओए आए तो पहले। ओए बैठ गया मुन्ना, रुक जा अभी बताता हूँ। ओए ये पड़ा जैक का 2.5 किलो का हाथ। ओए निकल ले, बहुत मारूंगा, ये फौजी का हाथ है। ओए ये ले मुन्ना, इसकी हेल्थ एकदम कम हो गई है। हे भैया मारते रहिए, फिर से भग गया। इस बार इसे खिलाड़ी मारेगा और एकदम तोड़ फोड़ भी देगा। क्या? क्योंकि इसने खिलाड़ी को एंग्री कर दिया है। हे खिलाड़ी फिर जल्दी से मारो ना, देख क्या रहे हो। अरे ड्रैगन, ओए ये कहाँ से आ गए नमूना। ओए नमूना निकलने, बहुत मारूंगा। हे भैया मारिया। हे भैया पहले इसे खत्म कर दीजिए ना, बहुत इसको उछल रहा है। ओए कहाँ गया, अब जल्दी से आ जा। ओए कहाँ चला गया, रुक जा मुन्ना मैं इसे मारता हूँ। ओए जल्दी से लग जाना। हे मर जाना, नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारूंगा। ये ले मर जाना जल्दी से, मरता क्यों नहीं, जल्दी से मर जा। क्या रे बाबा ये पप्पू कहाँ था रे बाबा, छोड़ेगा नहीं बाबा। क्या रे होगी इस ड्रैगन को, क्या होने लगे बाबा। हे पप्पू ये मर गया फाइनली। आखिरी तलवार तो तुम्हारी ही लग गई। ओए इतना देर तक मारा और आखिरी तलवार बना के हीरो बन गया। ओए हे भैया छोड़िए ना, ड्रैगन तो मर गया ना। ओए मर गया मुन्ना, अब तो जश्न मनाने का टाइम है। ओए भांगड़ा पालन ना चुबा लिए, आओ हिचके हिचके, ड्रैगन तो मर गया, तुन्ना तुन्ना। हे भैया ड्रैगन तो मर गया, ये देखिए इसका है। ओए तू निकल ले, तू कहाँ से आया है, बहुत मारूंगा। हे भैया ये तो कामों का परेशान करते रहते हैं। ओए अब इनकी क्या टेंशन, ड्रैगन तो मर ही गया मुन्ना। आज तो मुन्ना काफ़ी मेहनत पड़ गई। ओए अगर तू उस पंपकिन को ना उतारता तो ये मरता भी नहीं। हाँ भैया ये डिसीजन सही रहा, रुक जाइए भैया मैं इस एक को ले लूँ। ओए ये टेलीपोर्ट कैसे हो गया। हे भैया एक को लेने के लिए इसके नीचे टॉर्चेस रखनी पड़ती है। हे भैया ये कौन मार रहा है। ओए मुन्ना ये नमूने परेशान करते रहते, निकल ले। ओए निकल ले। ओए मुन्ना लगता है इसने सीरियस ले लिया। ओए बहुत मारूंगा, निकल ले। हे भैया ये तो बहुत मार रहा है। ओए मुन्ना अब दिमाग खराब कर दिया। ओए निकल ले, बार बार नहीं चलेगा, जैक कहा 2.5 किलो कहाँ था। ओए चलिए भैया अपने इंड्रैक को ले लेते हैं, जो कि भैया हम लोगों को बहुत काम आएगा ये। ओए रुक जा अब ये कैसे लेगा, रुक जाइए भैया इसके नीचे टॉर्चेस रखिए, फिर उस ब्लॉक को तोड़ दीजिए और मिल जाएगा। ओए तो रुक जा, ओए तोड़ दो क्या। हाँ भैया तोड़िए ना। ओए छोटा हो गया। हाँ भैया अब एग हम लोगों को मिल चुका है। क्या रे बाबा अपन तो खाना खाएगा बाबा। ठीक है पप्पू कितना खाना खाना हो, खा लो आज। आज तो तुम्हें कोई भी मतलब छूट है, एकदम पूरी छूट। ओए मुन्ना आज तो एकदम कमाल हो गया, हम लोग को ड्रैगन एग भी मिल गया। और देख मुन्ना एक्सपी लेवल तो अपना देख। हाँ भैया 61 XP मिली। इसीलिए तो भैया इस गेम का ये बॉस था। तो चलिए भैया घर चलते हैं और क्या। ओए चलते हैं। ओए आज तो बहुत थक गया, जाके आराम करूँगा। तो भैया यहाँ से हो गया इस गेम का दी एंड। मतलब कि भैया हम लोगों ने गेम को पूरी कर ली। ओए ये बात है क्या। हाँ भैया ये देखिए इस बॉस को हमने मार ही दिया। ओए मुन्ना आज तो कमाल ही हो गया, आओ आज तो एकदम धोती फाड़ के रुमाल भी हो गया हचके हचके। क्या रे बीड़ू आज तो एकदम थक गया आपको क्या। ए भैया देखिए हम फिर से आ गए अपने वर्ल्ड में। ओए बेड को तो ले ले। ठीक है भैया मैं रुक जाइए ले लेता हूँ। तो भैया चलिए हमने फाइनली ड्रैगन को तो मार दिया, अब चलते हैं अपने घर। ओए पहले हम लोग का गांव में अभी सामान बहुत सारा पड़ा है,
हाँ भैया ये बात तो है, सामान लेकर ही चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओए मन्ना तू तो वहाँ पर इंटरचेस छोड़ ही आया। हे भैया इंटरचेस की टेंशन नहीं है, क्योंकि भैया सभी इंटरचेस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो भैया इंटरचेस हम कभी भी कहीं भी खोलेंगे तो हम लोग को वो सामान मिल जाएगा। ओए मुन्ना मैं आज यहाँ से कूदूंगा। हे भैया नीचे पानी तो है ना, नहीं तो एक्सपी भी चली जाएगी हम लोगों की। ओए पानी तो दिख रहा है। ओए ये हो गया भंगड़ा पाले। ओए रुक जा मुन्ना, कूदता हूँ, कूदिए ना भैया जल्दी से। ओए ये रहा इंडर ड्रैगन को मारने का जस। ओए बाप कैसा लगा? आओ एकदम मजा ही आ गया, ठंडे ठंडे पानी में नहा के हिचके हिचके ड्रैगन को तो मारते मारते पसीना ही निकल आया था हिचके। क्या रे आगे एकदम ड्रैगन को तो एकदम मस्त वाली मार दी है रे बाबा, एकदम सही वाली मार दी है, खिलाड़ी ने भी उसको पछाड़ दिया है। और बीड़ू अप्पू ने भी तो मारा है ड्रैगन को। हे जपलू आज हम सभी लोगों ने मिलकर इंडर ड्रैगन को हराया है। क्या रे बीड़ू ये बात तो सही कही। भैया जैक बॉब और सब तुम तीनों कॉकरोचों और हम सभी ने मिलकर इंडर ड्रैगन को आज गाइस डिफीट कर दिया। क्या रे बाबा अपुन तो गोल्डन एप्पल खा लेगा रे बाबा। तो हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में काफी मेहनत लग गई है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटे को भी तोड़ दीजिएगा फोड़ दीजिएगा। ओए तो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। और गाइस एक चीज और, घर में रहिए सेफ रहिएगा। क्या रे बीड़ू लो अपुन अब चलता है और मैं भी एकदम खाना खाना चलता रे बाबा, सही बोला। आओ बाय बाय सभी को।